तो हेलो गाइस, आप कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ, मैं अपने मम्मी पापा का बच्चा हूँ। देखिए गाइस, यहाँ मैं आपको 4.5 इंच के कैंची दिखा रहा हूँ। आपको कुछ समझ भाई क्यों दिखा रहा है? और भाई ये मेरे को 20 रुपये की मिली है, लगता है लूट लिया मेरे गरीब को। देखिए गाइस, काफ़ी अच्छी कैंची, छोटी सी। तो गाइस, अभी तक आपने कैंची की यूज़ इस तरीके से किया होगा। देखिए, हमारी दो उंगली एक अंगूठा है, एक उंगली एक अंगूठा है, वही देखिए इस तरीके से किया होगा, या आपने कैंची यूज़ इस तरीके से किया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास गार्डन है या पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे गमलों में, तो उनकी थोड़ी सा कटाई छटाई करते रहते हैं, तो भाई इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आप करते हैं। लेकिन गाइस, कैंची का इस तरीके से यूज़ करने यार मज़ा नहीं आता, ठीक है ना भाई? बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। नहीं नहीं, इस तरीके से मत करिए, मतलब कुछ भी हम कट करते हैं तो भाई ये पुराना तरीका हो गया। फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल आज नया तरीका आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कैंची को मॉडिफाइड कर सकते हैं, बिल्कुल नए तरीके से। फ्रेंड्स, यकीन माने भाई, आपको मजा भी आएगा और फ्रेंड्स वो काम जल्दी भी होगा, और फटाफट काम करने के बाद फ्रेंड्स आपका टाइम भी बच जाएगा और भाई मेहनत भी कम लगेगी इस कैंची से, और भाई काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में। प्लीज दोस्तों, वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए। चलेगा, चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए, तालियां, चलिए। समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई ये रहा लाइटर, देख सकते हो भाई, पुराना खराब पड़ा होगा आपके घर में भी। भाई कितने सालों से लगता है फ्रेंड्स, बाबा ने जमाने से भाई मेरे घर में पड़ा था, आज इसका काम हो गया है। तो गाइस, इसका हम यूज करने वाले हैं भाई, ये दोनों धमाल करने वाले हैं मिलके। भाई वाह, देख रहे हो? देखिए, मुझे इसका सिर्फ पाइप चाहिए, पाइप। तो भाई इसका सारा तामझाम निकाल लेंगे। तो चले गाइस, इसे फटाफट भाई खाली कर देते हैं, क्या का माल पानी है। हाँ, ये सब टूटा पड़ा है। तो भाई हमें ये चाहिए सीधा इसका पाइप। तो गाइस, कुछ इस तरह का ये पाइप निकला है हमारे लाइटर में से। तो गाइस, आज इस वीडियो में इस पुराने लाइटर के पाइप का और भाई इस कैंची का मिलकर धमाल होने वाला है। अब गाइस, यहाँ पर लेंगे 4 इंच टावर बोल्ट, इसे चटकनी भी कहते हैं, कोई लोग खटका बेटका भी कहते हैं। देखिए, विंडो बोल्ट होता है, इसे टावर बोल्ट बोलते हैं। ये 4 इंच लेंथ का है और हमें सिर्फ इसकी आवश्यकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको आज क्या छोड़ इन दिया दोगे, मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो चले गाइस, पहले भाई इस पर ही आते हैं। तो इसका जो बोल्ट है ये खोल देते हैं, और इसकी लेंथ काफी लंबी है, तो गाइस हम इसे हाफ कट कर देंगे। तो इसे मैंने कट कर दिया है, और कट कितना किया है देखिए, मैं इस बोल्ट के यहाँ लगाता हूँ और इससे अप्रोक्स 1 इंच बाहर, देखिए यहाँ मैंने इसे कट कर दिया है। तो चलिए भाई, हमें दोनों को फिक्स करते हैं, इसके अंदर ही चलना चाहिए, आपने देखोगे स्लाइडली, ठीक है, वो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। तो चलिए पहले मैं इसे फटाफट फिक्स कर देता हूँ। तो गाइस, यहाँ से मैंने 1 इंच छोड़कर और यहाँ से 1.5 इंच छोड़कर मार्क लगा लिया है, और मैं इस डब्बे को यहाँ से कट करने वाला हूँ। देखिए गाइस, कुछ इस तरह का ये कट हो गया है भाई। ये वाला पार्ट इसके अंदर जाएगा और ये बोल्ट इसमें टाइट होगा। देखिए, ठीक है, तो फिलहाल फटाफट से हम यहाँ से निकाल लेंगे, जिससे कि भाई आगे प्रोसेस कर सके। इसे लगाते हैं दोबारा से, उसके बाद देखते, देखिए ये कटिंग है, देखिए ठीक है, ये यहाँ तक ये रुक जाएगा, इससे यहाँ तक ये रुक जाएगा। अब देखिए, ये यहाँ तक चलेगा बस, देख सकते हो। तो अभी इसे थोड़ा सा कम काटेंगे। तो गाइस, ये कट चुका है, चलिए अब फटाफट भाई इसे फिक्स कर देते हैं। काफ़ी वक्त हो गया इसी में लगे हुए, हमें अच्छे से टाइट कर दें भाई। यह कुछ स्प्रेइंग देखिए, और गाइस ये मैं लेकर आऊँ जहाँ पर बाइक रिपेयर होती है, वहाँ से 10 रुपये की मुझे सारी उसने दी थी। कुछ पुराने तो फ्रेंड्स वो फेंक ही देते हैं, कबाड़ में तोल देते हैं। तो भाई आप ला सकते हो, हर चीज़ का अल्टरनेट निकल जाता है, सस्ते में जुगाड़ हो जाता है। अब गाइस देखिए, ये वाली जो स्प्रिंग है, ये देखिए लाइटर में जब तोड़ा था उसमें से वाला पार्ट निकलता है, देखिए इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो गाइस उसमें से, यानी कि इस वाले पार्ट में से स्प्रिंग निकली है, ठीक है। तो भाई अगर आपको ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, आप लाइटर में से इसे निकाल सकते हो। चलिए हम इसे ही ले लेते हैं। अब देखिए, ये इस तरीके से इसमें लग जाएगी, देख सकते वाला पार्ट है, देखिए इस तरीके से फंस जाएगी, और देखिए 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 इस तरीके से चला रही है, देख सकते हो। तो गाइस, वैसा आप चाहते इस स्प्रिंग को लगा सकते हो, या आपको थोड़ी चाल कम रखनी पड़ेगी, लेकिन गाइस मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर चाहिए, दबाव चाहिए, गाइस मैं इस वाली स्प्रिंग को लूँगा। और भाई ये स्प्रिंग काफ़ी अच्छा वर्क है, देखिए ये ऊपर आ रही है, देखिए पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर लूँगा मैं एक लकड़ी का पीस, और भाई काफ़ी मजबूत पीस है और इतना मोटा चाहिए, देखिए आपके हाथ में अच्छे से ग्रिप आ जाए। अब इस पार्ट को मुझे स्प्रिंग सही, देखिए इसके अंदर फिक्स करना है, देखिए जिससे कि हम इसका कुछ गन टाइप का देखिए बना सकें इस तरीके से। तो भाई होल करने के लिए मैं 16mm का फ्लैट बिट का यूज़ करने वाला हूँ, ये बिल्कुल इक्वल है इसके, बस। तो चलिए भाई इसे लगा कर देखते हैं। भाई वाह, क्या मस्त आया, देखिए देखिए गाइस, इस पर काफ़ी रस्ट लग रहा था, तो भाई मैंने थोड़ा सा रब करके देखिए थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी दे दी। तो गाइस ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में।
तो भाई यहाँ पर ले रहे हैं कैंची। तो गाइस सबसे बड़ी दिक्कत भाई ये है कि देखिए ये स्टील की है और ये लोहे का है, तो गाइस इस पर तो सोल्डिंग हो जाएगी, सोल्डर आयरन चल जाएगा, लेकिन इस पर वर्क नहीं करेगा भाई। इस पर हमें गैस वेल्डिंग करानी होगी, लेकिन हम गैस वेल्डिंग नहीं करेंगे, जुगाड़ देखेंगे यार। तो इसे रखते हैं साइड में और इसका सबसे पहले देखिए पीवीसी जो है प्लास्टिक, इसे हम तोड़ देंगे। तो भाई तोड़ने की कोशिश करते हैं, देखिए टूट गया, लीजिए गाइस इसका काम तो हो गया, अब हमें इसकी जरूरत है। अब गाइस इस पार्ट को यानी कि इस कैंची को हमें यहाँ पर सोल्डिंग करना है, ऐसे रोकना है। अब ये तो दिक्कत है कि देखिए ये लोहे का है और स्टील का सोल्डिंग होगा नहीं, तो भाई हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ इस पर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ये रुक जाए। अब देखिए गाइस मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ से मैंने एक रिवेट लगा दिया है, मोटी सी आयरन की पत्ती लगा कर जिससे फ्रेंड्स पर सोल्डिंग हो जाए, और यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया इस वाले पार्ट को, देखिए और इतना बचा, इसमें मैंने एक सूत का होल कर दिया है, 3.175 mm होता है एक सूत में, और इस वाले पार्ट में मैंने कट लगा दिया, और देखिए छोटी सी पत्ती है, मैं यहाँ पर इसे लगाने वाला हूँ जिससे ऐसे मूव कर सकते, और इसे रोकने के लिए मैं रिवेट की तरह कील का यूज़ करूँगा। तो लीजिए गाइस ये तो हो गया भाई परमानेंट, कील को मैंने ठोक दिया है, देखिए एक तरह का रिवेट का काम किया इसने, तो देखिए वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं काम कैसे करता है, देखिए देखिए इधर करता हूँ, देखिए ये ऐसे खींचेगा, देखिए। तो चलिए दोस्त अभी सब फटाफट सोल्डिंग कर देते हैं, देखिए इस तरीके से बस इस एरिया में सोल्डिंग कर देंगे, बाद में इसकी फिटिंग बैठेंगे, कैसे बैठेगी वो अभी आपको पता लग जाएगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने कैंची को सोल्डिंग कर दिया है, भाई कैंची पर सोल्डिंग नहीं की है आपको पता, फ्रेंड्स मैंने किया अलग से लोहे की पत्ते लगाई है उस पर सोल्डिंग किया, तो भाई अब मजबूती देखिए ये काफ़ी रुक गई है। अब देखिए मैं इस पर एक पत्ती और लगाने वाला हूँ। तो लीजिए गाइस हमारी जुगाड़ वाली कैंची तैयार हो गई है, तो देखिए देखिए ऐसे फ्रेंड्स से काम करिए, देखिए 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 बहुत मस्त काम कर रही है, देखिए ठीक है। चलेगा फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं, देखिए देखिए ये है पेपर, और भाई इसे कट करते हैं वो भी डबल, देखिए देखिए देखिए। तो चलिए इस गत्ते को कट करके देखते हैं, देखिए वाह देखिए गाइस बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस है, देखिए। अब भाई ये कागज कट करने के लिए नहीं बनाई है फ्रेंड, इसका मेन पर्पज है गार्डनिंग टूल में, ठीक है ना, एक तरह का गार्डनिंग टूल है, और कैसे चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए गाइस पौधा काफ़ी बढ़ गया है, भाई बरसात तो वक्त है भाई, थोड़ी कटाई छटाई तो होगी यार, ठीक है। तो भाई देखिए तने बाहर निकल गए हैं, और भाई जो तना बाहर निकल रहा, देखिए मैं यहाँ से इसे कट करूँगा, देखिए बहुत ही मोहब्बत के साथ, देखिए वाह देखिए देखिए। पहले हम देखिए कैसे कटिंग कर रहे थे, पहले ऐसे कटिंग कर रहे थे, अब हम गन टाइप में कटिंग कर रहे हैं, देखिए कोई ऐसा मैं कट कर सकता हूँ, देखते हैं कौन, देखिए ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। और भाई देखिए ये हो गया कट, देखिए बहुत ही बेहतरीन काम करी हमारी कैंची, और भाई देखिए ये बाहर निकल रहा है, यहाँ पे से लगाया और देखिए आराम से मोहब्बत से कट कर देते हैं, बस हो गया काम। अब देखिए गाइस ये काम कैसे करता है, देखिए ये वाला पार्ट तो इसका फिक्स है, ठीक है, परमानेंट यहाँ पे फिक्स कर दिया, सोल्डिंग कर दिया, रिवेट लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट इसका मूव करता है, देखिए मैं यहाँ चलाता हूँ, देखिए देखिए पूरा लग गया, ठीक है, देखिए फिर लूज करता हूँ, देखिए इससे देखिए देखिए पूरा मिल गया, ठीक है। और आप अपने अकॉर्डिंग इसकी चाल बना सकते हो, जितना आपको कमियाँ ज़्यादा करना हो, देखिए इस तरीके से बहुत ही मस्त काम करता है, देखिए बेहतरीन तरीके से। तो फ्रेंड्स आई होप ये सिंपल सा जुगाड़ आपको अच्छा लगेगा, फ्रेंड्स देखने में आपको ये सिंपल लग रहा है, फ्रेंड्स मेरे दिमाग के अंदर दही कर दिए, लेकिन माने दोस्त काफ़ी वक्त लग गया है सिस्टम निकालने में, इसका जो मैकेनिज्म है ना वो यार वो हर चीज़ को एम में लेके चलना पड़ता है, वो मेरे सारे डायमेंशन आपको बता दिए, अब तो आप देख के इसे आराम से बना लोगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा, दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भाई जरूर बताएं फ्रेंड्स ये जुगाड़ आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।